आगामी 26 सितंबर से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर मां लेही मंदिर परिसर में तहसीलदार एवं मंदिर प्रशासक ज्योति राजपूत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवरात्रि पूर्व मंदिर में पुताई कार्य, परिसर सहित आसपास सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, भंडारा, अखंड ज्योति, महाआरती आदि व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग के उनके कार्य दायित्व का निर्धारण किया गया। आपको बता दें कि नवरात्रि पर्व पर पवई क्षेत्र ही नहीं, दूसरे जिलों एवं प्रदेशों के लोग भी माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। माह 26 तारीख से नवरात्रि बैठक प्रारंभ हो रही है, तो पवई शहर में कलेही माता मंदिर में, जो कि एक आस्था का पवित्र केंद्र है, तो यहाँ पर तैयारियों के संबंध में सभी विभागों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी विभाग संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चाहे वो बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जिससे हम इस पवित्र त्यौहार का सभी लोग सौहार्दपूर्वक मना सकें। अपना जो नवरात्रि आ रही है, इसके संबंध में अपन ने सारी व्यवस्थाओं का, जैसे लाइटिंग वगैरह है, साज सज्जा है, पुल वगैरह पे गड्ढे हैं या जो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, इस सभी संबंधों को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुई है और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो अपने बाहर से लोग आते हैं, उनको कोई परेशानी ना